देश व्यवस्था से चलता है, संस्थानों से आगे बढ़ता है और ये दो चार महीने दो चार साल में नहीं बनती, ये वर्षों के सतत विकास का परिणाम होती है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है कि फैसले समय पर लिए जाएं और इन्हें बिना टाले लागू किया जाए। अब ये छोटे बैंकों के मर्जर का फैसला ही लीजिए, दर्जनों सरकारी बैंकों की क्या आवश्यकता है, इसको लेकर सालों से हम डिबेट सुनते आ रहे हैं। करीब ढाई दशक पहले इसके बारे में कदम उठाने की बात शुरू हुई थी, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने का साहस पहले भी चर्चाएं हुई किसी ने नहीं जुटा, लेकिन बीते 50 महीने इसके गवाह हैं कि एनडीए सरकार राष्ट्रहित में लिए जाने वाले कठिन फैसले लेने में कभी पीछे नहीं रहती। जो वर्षों से लटके फैसले थे उनको पूरी शक्ति के साथ जमीन पर उतारा गया। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में छोटे बैंकों का मर्जर किया गया और अब तीन और बैंकों को एक ही बैंक में मिलाने का फैसला लिया गया है। और मुझे याद है तीन चार साल पहले जब रिफॉर्म की चर्चाएं होती थी तो कुछ लोग बढ़ चढ़ करके लिखते थे, अगर मोदी बैंकों का मर्जर करके दिखा दे तो हम मानेंगे कि मोदी कुछ कर रहा है। अब जब हो गया है तो पता नहीं उनकी कलम को निंदा गई है।